ठीक है, हो गया। वही तो बोल रहा हूँ, एकदम से मेरे चैट में किसी ने लिखा है सनम भाई, क्या मैं सर्च करके देखा तो ये दिया। ऐसा हैक कैसे हो सकता क्या भाई? ये तो 11 मिलियन का है बे, छोटा मोटा चैनल भी नहीं है। अबे देख तो एक बार। क्या बोला भाई? ये तो बोल रहा है अरे कल सही हो जाएगा, स्नाइपर कर देगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कोई टेंशन ही नहीं है क्या? नहीं बोल रहा है भाई, अरे वो हो जाएगा ना, कल सुबह हो जाएगा, मैंने देख लिया, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अब को क्या 11 मिलियन का बोल रहे हैं, कल ट्वीट करेगा ना तो हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि YouTube अपनी तरफ से पॉलिसी बना चुका कि जब भी कोई बड़ा चैनल हैक होगा तो जितना भी जल्दी हो सके उस चैनल पे जो भी लाइव स्ट्रीम चल रही होगी उसको पहले एंड करना, उसके बाद चैनल को डिलीट करना ताकि जो भी हैकर है उस चैनल पे और कोई भी चीजें ना कर सके, और उसके बाद फिर उस पे एनालाइज करने के बाद उसको अच्छे से देखने के बाद फिर रिकवर करने के बाद वापस क्रिएटर को दे देना। पहले ये चीज काफी स्लो होती थी, मतलब एक हफ्ता लग जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे YouTube एक या दो दिनों के अंदर वापस क्रिएटर को उसका चैनल वापस कर देती है। यही चीज ज्ञान गेमिंग राइस्टर को बोले थे कि चैनल हैक हो चुका है, उनको पता है, बट जल्द ही रिकवर करके उनको वापस मिल जाएगा। ज्ञान गेम अपने कोई भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी रिएक्शन अपना नहीं दिए, क्योंकि उनको पता था कि उनके चैनल वापस आने वाला है और वो एक या दो दिन के बाद उनको वापस मिल जाएगा। और जैसे उनको अपना चैनल रिकवर करके मिल जाएगा वो लाइव स्ट्रीम भी जरूर से करेंगे अपने चैनल पर, और ये लाइव स्ट्रीम होगी उनके चैनल के बारे में कि कैसे हैक हुआ था, क्या क्या चीजें उनके साथ में हुई थी और क्या रीजन था एग्जैक्ट हैक होने का। तो आपको सब कुछ पता लगने वाला है उनकी लाइव स्ट्रीम पर। बाकी आप यहाँ पर टेंशन मत लो क्योंकि ज्ञान गेमिंग की भी शायद बात हो चुकी है यूट्यूब के साथ, और आज या फिर कल के टाइम पे ज्ञान गेमिंग वापस अपने चैनल पर लाइव हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चन हो ज्ञान गेमिंग